जिला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिंपल शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान डिंपल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो रोजगार संघर्ष यात्रा का आगाज किया गया है, शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में ये रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। उसका दूसरा चरण जिला मंडी के करसोक विधानसभा से 12 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को गुमराह किया है और रोजगार के नाम पर सिर्फ आउटसोर्स के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपने चहेतों को लगाया, जिसमें जल शक्ति विभाग हो, प्रदेश विश्वविद्यालय हो या अन्य संस्थान। अगर भूले भटके कोई भर्ती परीक्षा निकाली भी गई तो उनके पेपर लीक हो गए, पर ये सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई है। हिमाचल प्रदेश आज एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी बेरोजगारी में 6वें स्थान पर है। ये इस सरकार की उपलब्धि है, लगातार युवाओं को बेरोजगारी के गड्ढों में धकेला जा रहा है। मैं डिंपल शर्मा, जिला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जिला कांगड़ा में निकाली गई, उसके बाद जिला सिरमौर शिमला में होकर जो यात्रा निकली, अभी आगामी 12 तारीख से जिला मंडी में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे मुख्य आयोजककर्ता शिमला ग्रामीण से युवा विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं, उनकी अगुवाई में जिला मंडी में यह यात्रा निकाली जा रही है। हमारा इस यात्रा को निकालने का मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी आज पूरे देश भर में बेरोजगारी में 6वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसका मुख्य कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से युवाओं को प्रताड़ित कर रही है। प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आए, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, JOAIT का पेपर लीक हुआ। अभी पिछले कल आप सभी जानते हैं कि सुंदरनगर से एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से घर बैठे ही बिजली विभाग के ड्राइवर के जो पद थे उसका पेपर दे दिया। युवा हताश है इस सरकार की दोहरी नीतियों से। एक तरफ कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के नाम पर सिर्फ युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो रोजगार दिए जा रहे हैं वो मात्र आउटसोर्स के माध्यम से और सिर्फ अपने चहेतों को प्रदान किए जा रहे हैं। वही हाल इनके केंद्र में है। केंद्र में अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया, जिसमें केंद्र सरकार से आंकड़ा मांगा गया कि पिछले 8 वर्षों में बेरोजगारी को लेकर अपना आंकड़ा पेश कीजिए। तो मालूम पड़ता है कि अभी पिछले 8 वर्षों में लगभग 22 करोड़ युवाओं ने केंद्र में नौकरी के लिए आवेदन किए, जिसमें से कि यह सरकार 8 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 लाख आवेदन दे पाई है। 7 लाख युवाओं को नौकरी मिली और अभी तक जो स्वीकृत पद है उसमें 1 करोड़ पद सिर्फ और सिर्फ केंद्र में खाली चले हैं। प्रदेशों में न जाने किस प्रकार के हाल, आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर रोजगार संघर्ष यात्रा का आगाज किया गया है।